खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अब दिल्ली का, जहां से हमारी ब्यूरो चीफ अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, सबसे पहले तो वहां की हैपनिंग्स का आप अपडेट दीजिए, क्या कुछ चल रहा है गुरुग्राम में जहां पर इन विधायकों को रखा गया है, वहां और कौन कौन से नेता पहुंचे? देखिए, मैं आपको उस लोकेशन पे मौजूद हूँ जो मानेसर के आगे आईटीसी भारत है। मेरे ठीक पीछे वो होटल आपको नज़र आ रहा है और अभी ये होटल जो है वो सियासी जो पूरे 106 विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको शुरू से अपडेट ये देना चाहूँगी दिव्या कि इस होटल में मध्य प्रदेश के से आए हुए भाजपा के 106 विधायक हैं जो रात को 2 बजे यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद से यहाँ पर कोई भी कमरा जो है किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा। रात को यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय उस गुलाबी बस के साथ साथ यहाँ पर पहुंचे थे अनिल जैन थे जिनको जिम्मेदारी दी गई है इन 106 विधायकों की। हालांकि अभी फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर उनको सेटल करके चले गए थे और अब ये जो अपडेट आ रहा है कि हरियाणा भवन से कैलाश विजयवर्गीय और अनिल जैन रवाना हो चुके हैं, हरियाणा भवन जो कि दिल्ली में है वहां से रवाना हो चुके हैं आईटीसी भारत के लिए। अब आपको बता दें कि जो तस्वीरें फिलहाल अंदर से आ रही हैं उसमें जो 106 विधायक हैं वो कुछ टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो कोई कुछ खा रहा है, तो कोई लॉन में बैठा है और ये एक 5-स्टार होटल है जहाँ पे तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, जहाँ पर स्पा है, लॉन टेनिस है, तमाम गोल्फ है, तमाम तरीके की चीजें हैं यहाँ पर, जिससे कि उन 106 विधायकों का जो रूटीन है, जो मन है वो यहाँ पर लगा रहे। ये भी बताया जा रहा है कि वो किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे और अगर किसी को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो केवल रिसेप्शन का एक फोन है जिससे वो कुछ देर के लिए अपने परिवार से अगर संपर्क करना हो। हालांकि उनको फिलहाल जो संपर्क है वो सबसे काट दिया गया है और यही वजह है कि अनिल जैन और कैलाश विजयवर्गीय आलाकमान का मैसेज लेकर यहाँ कुछ देर में पहुँचेंगे। हालांकि आईटीसी भारत जहाँ पर है और जहाँ से वो आ रहे हैं लगभग 1.5 घंटे का रास्ता से ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत होगा, तो दिल्ली से मानेसर आने में 1.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो हरियाणा भवन से रवाना हो चुके हैं। अब यहाँ पर कौन मौजूद है और किसकी निगरानी में है, तो गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष हैं भूपेंद्र यादव, वो यहाँ भूपेंद्र चौहान वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा मेवात के जिलाध्यक्ष। देखिए, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर आता है, जिलाध्यक्ष बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, चीफ मिनिस्टर आते हैं या उनका स्वागत करना होता है तो जिलाध्यक्ष स्वागत करते हैं, तो यहाँ पर भी मेवात और गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष हैं वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं जिनके निगरानी में ये 106 विधायक रखे गए हैं और अगर उन 106 विधायकों को किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत है, कोई बात है, तो वो उन जिलाध्यक्षों के माध्यम से आगे करेंगे। गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान यहाँ मौजूद हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि गुरुग्राम से आगे चलकर जो मानेसर के बाद जो सेक्टर 80 के आसपास ये आईटीसी भारत है, आप देख सकते हैं कि बहुत ग्रैंड होटल है, 5-स्टार होटल है, तमाम तरीके की सुविधाएं इन होटल्स में हैं क्योंकि ये नहीं पता कि कब तक इनको यहाँ रहना है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सारे मौजूद